हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मनीष, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, प्रीव्यू में भी आपने वीडियो देखा ही, तो फ्रेंड्स इस तरह की 3D स्टेटस वीडियो काइन मास्टर अप्लीकेशन की मदद से अगर आप भी बनाना चाहते तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, इस एडिटिंग के लिए मैं जो भी मटेरियल्स का यूज़ कर रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद काइन मास्टर अप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, काइन मास्टर अप्लीकेशन ओपन होने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ पे 9:16 वाला रेशो सेलेक्ट कर लीजिए, देन क्रिएट का ऑप्शन पर टैप कर दीजिएगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो ये यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउनलोड में चले जाना। डाउनलोड में जाने के बाद एक इमेज का बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे दिया, इस टाइप का लाइटिंग इमेज है, सेलेक्ट करके आप जितने टाइम का स्टेटस बनाना चाहते हो उतना टाइम कर लीजिएगा। मिनिमम हम 30 सेकंड तक का स्टेटस में बनाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा आप अपने सॉन्ग के अकॉर्डिंग, जो भी सॉन्ग यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब इसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आने के बाद स्क्रीन पर टैप करना, देन लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइए। सो मीडियम जाने के बाद फिर से डाउनलोड में चले जाना है, और यहाँ पर ये वाला PNG मैंने आपको प्रोवाइड किया, इसे ले लीजिएगा। क्रॉपिंग में जाइएगा, इसे थोड़ा सा ऊपर तक कट कर लीजिएगा, फिर इस तरह से छोटा करेंगे और हल्का सा इधर से भी और इधर से भी, ताकि हमें एडिटिंग में आसानी होगी। फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद इसके ड्यूरेशन को पूरा लास्ट तक कर लीजिएगा, ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद स्टार्टिंग में आइएगा, स्टार्टिंग में आने के बाद फ्रेंड्स इसे इस तरह से जूम कर लीजिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसे यहाँ पर ऐसे सेट करते हैं, यहाँ पे इतना पे सेट करते हैं, हल्का सा थोड़ा और छोटा करते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 13 सेकंड के अकॉर्डिंग में आ जाएगा, 12-13 सेकंड या 10 सेकंड पे, उसी के अकॉर्डिंग जितना पे भी आइएगा यहाँ पे इस तरह से बीट लगा दीजिएगा, देख सकते हैं, ताकि आपको एडिटिंग में परेशानी ना हो। सेम जगह पे फिर से नेक्स्ट बार हमें एडिट करना होगा, मतलब की लगाना होगा। अभी के लिए यहाँ जो डिलीट बटन के ऊपर की देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे प्लस लगा लीजिए। प्लस लगाने के बाद स्टार्टिंग वाले पे आ जाइएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लस लग जाता है, तो इसे आप इस साइड में मूव कर लीजिएगा पूरा एकदम बराबर में, तो धीरे धीरे से कुछ इस तरह से आएगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके लास्ट में आ जाना, लास्ट में आने के बाद यहाँ पर प्लस करना है, प्लस करने के बाद इसे इस तरह से जूम कर लीजिएगा हल्का सा, और इधर को यहाँ पे सेट कर देंगे ऐसे, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हल्का नीचे करते हुए यहाँ पे, तब देखेंगे फर्स्ट तो ये सीधा आएगा यहाँ से, इसके बाद यहाँ से जूम होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, इसका एक तो डुप्लीकेट कर लेना है, डुप्लीकेट वाले को रिप्लेस पर क्लिक करना है, और फ्रेंड्स यहाँ पे एक ये वाला फोटो मैंने आपको प्रोवाइड किया था उसे ले लीजिएगा। तो देख सकते हैं आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस आ रहा है, जैसा पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा एडजस्टेबल नहीं लग रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, फिंगर की मदद से एडजस्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाले पे आ जाते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इधर को अभी के लिए तो दिख नहीं रहा, तो छोटा ही कर देते हैं। इसके बाद जो बीच में की लगाया था उस पर आइएगा, और फिर इस साइड में कीजिएगा, करने के बाद इसे थोड़ा सा और इस तरह से छोटा कीजिएगा, और इस फोटो को हम क्रॉप भी किए थे ना गाइस, तो क्रॉपिंग वाले में जाकर इसे एडजस्ट करना होगा कि क्रॉप जो हुआ था वो नहीं करना है, ठीक है। अभी के लिए हमें लगता है अलग से फोटो ही ऐड करना होगा, तो यहाँ से बैक कर लेते हैं, ठीक है। बैक करने के बाद लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा, मीडियम जाने के बाद फिर से डाउनलोड में जाएगा, ये वाली फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद इसके ड्यूरेशन को आपको खींच कर पूरा लास्ट तक कर देना है, ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर पूरा लास्ट तक कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते ताकि आसानी हो। तो यहाँ पे करने के बाद आप जो यहाँ पे बीच में बीट लगाया था उस बीट पे आइएगा, और डिलीट बटन के ऊपर जो की का ऑप्शन है उस पर टैप करके एक प्लस कीजिएगा। प्लस करने के बाद यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है आप कितना पे यहाँ पे रखना चाहते हो, तो हम इसे यहाँ पे इतना पे रखेंगे, ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे आप, यहाँ पे हम रखेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्टिंग वाले में तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा हुआ है, और इधर को हम मूव कर देंगे ऐसे, ठीक है, सॉरी। और फिर आगे की तरफ आइएगा, तो अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे जूम हो जा रहा है, तो इसे हम जूम नहीं करते हैं, छोटा कर रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ऐसे इसे थोड़ा सा बराबर करके इतना पे, फिर स्टार्टिंग वाले पे भी उतना पे रख लेंगे, थोड़ा सा इधर जूम करेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद इधर को ये जूम होगा, तो लास्ट में आइएगा, लास्ट में आने के बाद यहाँ पर प्लस कीजिएगा, प्लस करने के बाद इसे इस तरह से जूम कीजिएगा, और इसी के बराबर में रख लीजिएगा जितना पे हम रखे थे। तो अभी कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे इतना दूर में थोड़ा सा अच्छे ने से एडजस्ट नहीं हुआ है, तो हल्का सा ऊपर करते हैं, फिर नीचे यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ये दोनों साथ में रहता तो ज़्यादा बेटर रहता है, या फिर एलाइट मोशन से हम एडिटिंग करते तो और भी आसानी से हो जाता। अभी के लिए यहाँ पर ये फिट हो गया, अब आपको क्या है, स्क्रीन पर टैप करना, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना, देन मीडियम जाना है। सो इस मीडियम जाने के बाद डाउनलोड में चले जाना, डाउनलोड में जाने के बाद ये वाले PNG जो है इसे आपको सेलेक्ट करना है, इसे भी आपको इस तरह से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद इसके ड्यूरेशन को आपको बढ़ाकर पूरा लास्ट तक कर लेना है, यहाँ तक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इस सेंटर में आ जाएगा, आने के बाद इसे थोड़ा सा और जूम करते हैं, ताकि जो पैड है यहाँ पर वो अच्छे से यहाँ पे कवर हो जाए, अच्छे से यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे पैड को मैंने कवर कर दिया। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट इस साइड में रखते हैं, यहाँ पे इतना पे रख लीजिएगा,
ठीक है। यहाँ पर डिलीट बटन के ऊपर की लगाइएगा, की लगाने के बाद फिर आपको जो बीच में बीट लगाए थे वहाँ पे आ जाइएगा, आने के बाद प्लस कीजिएगा, इसे इस तरह से मूव कीजिएगा हल्का सा हल्का सा, और फिर इसके लास्ट में आइएगा, यहाँ पे प्लस कीजिएगा, इस बार पूरा मूव कर लीजिएगा जितना भी होगा उतना इस तरह से। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से आएगा, फर्स्ट यहाँ पे आया और फिर इसके बाद इस तरह से फास्ट होता हुआ चला जाएगा। देन स्टार्टिंग में आइएगा, स्क्रीन पे टैप कीजिएगा, लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करके मीडियम जाइएगा, फिर से डाउनलोड में चले जाइएगा, ऑप्शन यहाँ पे एक और पी एन जी मैंने आपको प्रोवाइड किया उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसके ड्यूरेशन को पूरा लास्ट तक कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैं कर रहा हूँ। करने के बाद इसे भी आपको जूम करना है हल्का सा ऐसे, और एडजस्ट करना है ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। फिर डिलीट बटन के ऊपर की का ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर टैप कीजिएगा, यहाँ पे प्लस कीजिएगा, स्टार्टिंग में ऑटोमेटिक की लग जाता है, लास्ट वाला जो है इसे इस तरह से मूव करके और एडजस्ट कर लीजिएगा, तभी आप प्ले करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफ़ी कमाल का लग रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आधा से ज़्यादा काम हमारा हो गया। फिर स्टार्टिंग में आइएगा, स्क्रीन पे टैप कीजिए, लेयर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, देन मीडियम जाएगा, मीडियम जाने के बाद फिर से डाउनलोड में चले जाना है, डाउनलोड में जाने के बाद ये वाला पी एन जी मैंने आपको प्रोवाइड किया इसे ले लीजिएगा, इसके ड्यूरेशन को आपको पूरा लास्ट तक कर लेना है कुछ इस तरह से, इसके बाद इसे जूम करना है यहाँ पे, ठीक है, और फिर बराबर में यहाँ पे सेट कर लीजिए कुछ इस तरह से जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और फिर इसके स्टार्टिंग में आइएगा, यहाँ पे आपको की वाले ऑप्शन टैप करना है, टैप करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है जो बीच में की लगाए थे उस पर, प्लस करना है, प्लस करने के बाद इसे मूव करना है इस साइड में पूरी तरह से यहाँ तक लेकर आ जाइएगा, ठीक है, यहाँ तक पूरा लास्ट तक। तो ये अभी कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर यहाँ से ये जूम होते हुए इस साइड में आएगा, तो यहाँ पे लास्ट में आ जाइएगा, प्लस कीजिएगा, प्लस करने के बाद इस साइड में मूव कीजिएगा, ठीक है, इधर को, और यहाँ पे हल्का सा इसे भी जूम आप भी कर दीजिएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, इतना पे रख लेंगे, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फिट है यहाँ पे, इधर से ये गया इधर को आया और फिर यहाँ पे इस तरह से एकदम परफेक्ट है। फिर स्टार्टिंग में आ जाएगा, स्क्रीन पे टैप कीजिए, लेयर का ऑप्शन पे क्लिक करके मीडियम जाइएगा, अभी डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, एक पार्टिकल वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया उस वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको इस साइड में नीचे स्क्रॉल करना है, स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके फुल स्क्रीन करना है, देन यहाँ से बैक आ जाना, बैक आने वो नीचे जाइएगा, ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखिए, इस पर टैप कीजिएगा, यहाँ पे स्क्रीन कर दीजिएगा, करने के बाद बैक आ जाइएगा, देख लीजिएगा इसमें साउंड वगैरह है या नहीं, तो साउंड अगर होगा तो आपको मिक्सर पर क्लिक करना है, मिक्सर पर क्लिक करने के बाद साउंड को म्यूट कर देना है, यहाँ से बैक आ जाना, अभी प्ले करके आप चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी कमाल की वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है, बस एक सॉन्ग की ज़रूरत है, तो जो भी सॉन्ग पे स्टेटस बनाना चाहते हैं सॉन्ग को आप ले लीजिएगा, मैं सॉन्ग आपको प्रोवाइड नहीं किया हूँ। तो ऑडियो में चलते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, बसंत पंचमी मैं सर्च कर लेता हूँ, देखता हूँ कोई है या नहीं, तो नहीं है, और एक सेकेंड, सुगत सरस्वती पूजा के नाम से मेरे पास कुछ सॉन्ग है, इसमें से मैं कोई सा भी एक तो ले लेता हूँ, तो चलिए ये भी सही है, मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद प्ले करके चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस है। तो काफ़ी अच्छी तरह से हमारी एडिटिंग फिनिश हो गई गाइस, देख सकते वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, इस तरह की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी करती है रील्स पे, तो आप बनाकर इसे यूज कर सकते हैं, आप इसमें थोड़े बहुत अगर चेंज करना चाहे तो अपने मर्जी से भी कर सकते हैं, इतने टाइम से एडिटिंग में बताता हूँ, आप लोग देखते भी हो तो आपको पता भी होगा कि एडिट कैसे करना है, तो इसमें थोड़े बहुत आप चेंज कर सकते हैं जिससे आपको और भी अट्रैक्टिव लगे। मैं सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करता हूँ, एडिटिंग भी बता देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी न हो। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को सेव करने के लिए चैनल पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने और नीचे सेव वीडियो पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।